अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। यहाँ पर भी सब ठीक है। एक लड़की हो या हाउसवाइफ हो, किचन में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैंने चाय ऊपर रखी और साथ में पुलाव का सामान रेडी किया, क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे को ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम लंच करते हैं। तो नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोग चाय और साथ बिस्किट विस्किट हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो थोड़ा सही इजी हो जाता है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने जाना था, तो मैंने चाय बनाई। चाय बना के साथ उनको बिस्किट दिए। वो देकर वो नमाज़ पढ़ने चले गए। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने उसमें ऑयल डाला और ऑयल डाल के मैंने उसके अंदर प्याज डाले। प्याज जो है वो मैं पुलाव के अंदर कुछ थोड़े ज़्यादा डालती हूँ। आम रूटीन के हिसाब से मैं उसके अंदर थोड़े ज़्यादा प्याज डालती हूँ। प्याज को गोल्डन होने तक छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के बाद गोल्डन हो चुके थे। जब तक प्याज गोल्डन हुए, मैंने साथ अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया। प्याज को गोल्डन होने के बाद मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसकी अच्छी तरीके से भुनाई की तकरीबन 1 या 2 मिनट तक। जब तक उसकी भुनाई करके मैंने उसके अंदर जो है वो चिकन डाल दिया। उसके बाद मैंने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई की जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाता। उसका कलर चेंज होने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर, मिर्चें और जो नमक मसाले जितने भी थे वो मैंने उसके अंदर डाले। डाल कर मैंने उसको कुछ टाइम के लिए दम पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसको मसाले को अच्छी तरीके से भून के उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उसको पानी खुश्क होने के बाद उसको जो है वो दम पे लगा दिया। मैंने तकरीबन 20 मिनट दम पे लगा के रखा था। 20 मिनट के बाद दम खोला, देख के आप कितना अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। ये था मेरा पुलाव। मैं तो पुलाव ऐसे बनाती हूँ, और आप लोग पुलाव कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमने कुछ रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर आउटिंग पे निकलें, तो कुछ ग्रोसरी भी करनी थी वो भी कर लेंगे। और हम लोग जो हैं वो लुलु हाइपर मार्केट पहुँच गए हैं, और यहाँ से अब हम कुछ ग्रोसरी करेंगे और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए भी लेंगे। तो चले अंदर चलते हैं। जो भी ग्रोसरी और फ्रूट वगैरह लेना था वो हमने ले लिया था, और यहाँ हम बिलिंग करवा रहे हैं। और हमने ये सैंडविच जो है ये खाने के लिए थे, और उसके साथ एक जूस ले लिया था। ये हमने खाने के लिए लिया था। ये था हमारा आज का डिनर। तो
यह थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।